नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक गोयल और आप देख रहे हैं न्यू मोबाइल टेक्निकल सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरे पास में मोबाइल है, ये आईफोन का एक्सेस मॉडल है और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है कि ये 3 मिनट के अंदर अंदर में रिबूट हो जाता है और मोबाइल हल्का हीट भी हो रहा है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो दोस्तों आपको वीडियो में स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहना है। और अभी भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकन बना है इसे दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चले आपको मिल सके। जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने मोबाइल के अंदर टाइमर लगा रखा है और ये आप देख पा रहे हो, ये 1 मिनट 24 सेकंड के अंदर मोबाइल रिबूट हो गया है और ये ऑटोमेटिक ऑन भी हो जाएगा। ये हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। आप देख पा रहे हो हमारा मोबाइल दोबारा ऑन हो गया है, ठीक है दोस्तों। ये ऑन भी ऑटोमेटिक हो जाता है और हम दोबारा से टाइमर लगाते हैं। अब हम देखते हैं कितनी देर के अंदर रिबूट हो जाता है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करेंगे, वो भी सॉफ्टवेयर के द्वारा। जो हमारा पैनिक सॉफ्टवेयर होता है, इससे हम कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ पर है। और पैनिक सॉफ्टवेयर का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर अपनी मेरी वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, ठीक है दोस्तों। आप देख पा रहे हो हमारे मोबाइल को 1 मिनट हो गया है, अब तक तो रिबूट नहीं हुआ है, लेकिन ये 3 मिनट से पहले पहले रिबूट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। मैंने बहुत अच्छी तरीके से चेक किया है इसको। और इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, कस्टमर का कहना है कि रिबूट हो रहा है, एक इसके अंदर साउंड का इशू है। तो हम चेक करेंगे स्टेप बाई स्टेप दोस्तों। आप देख पा रहे हो करीबन 2 मिनट हो गया है, अब तक रिबूट नहीं हुआ है, लेकिन 3 मिनट से पहले पहले ये रिबूट हो जाएगा। आप देख पा रहे हो ये 2.5 मिनट के अंदर रिबूट हो गया है। तो इसके लिए हम पैनिक सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इसको हम ओपन करेंगे। ये कह रहा है कि हमारे पीसी के अंदर नेट कनेक्ट नहीं है, तो हम नेट कनेक्ट कर लेते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर को चलने के लिए नेट कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप देख पा रहे हैं क्लिक कर देंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कोई स्पेशल ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती, जो हमारा iTunes 3 Tool का स्पेशल ड्राइवर होता है वही होता है। यहाँ मॉडल शो हो गया है और लेट्स लॉक पे क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हो हमारी पैनिक बन गई है, जो सबसे लेटेस्ट वाली पैनिक है उसको हमें ओपन करना है। मैं एक बार आपको दोबारा लेट्स लॉक करके दिखा देता हूँ। ये आप देख पा रहे हो सबसे ऊपर वाली पैनिक को हम ओपन करेंगे। इसके अंदर देख क्या क्या इशू शो कर रहा है, मैंने आपको जूम करके दिखाया। ये कह रहा है सबसे पहले आपको चार्जिंग पोर्ट का फ्लेक्स और चार्जिंग पत्ता होता है उसको चेंज करके देखना है। इस प्रॉब्लम के अंदर इस फोन के अंदर नंबर दो, इसके अंदर पावर बटन फ्लेक्स को भी चेंज करके देखना है। उससे बिना हो तो मैंने आपको बोला था इसके अंदर ऑडियो में दिक्कत है, तो U4700 बिग ऑडियो कोडेक IC है उसको रिप्लेस करके देखना है। उससे भी अगर आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है तो बेसमेंट IC या NFC को चेंज करके देखना है। और उससे भी आपका फ़ोन रिबूट कर रहा है तो आपको NAND का इशू है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम स्टेप बाई स्टेप हम चेक करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम चार्जिंग फ्लेक्स को चेक करके मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों, मैं चार्जिंग फ्लेक्स को चेंज कर लिया हूँ और अब मैं आपको टाइमर के द्वारा दोबारा चेक करवाता हूँ कि हमारा मोबाइल कितनी देर के अंदर दोबारा रिबूट हो रहा है। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारे टाइमर को 1 मिनट हो गया है और मैंने यहाँ पर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है ताकि आपका टाइम ख़राब ना हो और आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो हम इसको 4-5 मिनट तक देखेंगे, अगर हमारा 3 मिनट से प्लस हो जाता है तो हमारा मोबाइल रिबूट नहीं होगा, ये 100% प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। और इससे भी अगर हमारा फिर भी रिबूट होता है तो जो हमने नेक्स्ट स्टेप बताए थे वो हमें ट्राई करना पड़ेगा। आप देख पा रहे हो हमारा 2.5 मिनट के आसपास हो गया है समय और अब तक रिबूट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आईफोन को इस सॉफ्टवेयर के द्वारा आप आसानी से थोड़ा फॉल्ट को फाइंडिंग कर सकते हैं कि हमारा प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से है और हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। आप देख पा रहे हो हमारा 3 मिनट से भी ऊपर हो गया है, अब तक हमारा मोबाइल रिबूट हो जाने चाहिए था लेकिन अब भी हमारा मोबाइल रिबूट नहीं हुआ है।
और दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और हमारे Facebook पेज को भी फॉलो कर लीजिए, और हमारे Instagram को भी फॉलो कर लीजिए। और किसी भाई को ऑनलाइन मोबाइल अनलॉकिंग का काम करवाना हो, आईफोन का एक्टिवेशन करवाना हो, किसी प्रकार का टूल परचेज करना हो, तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से हम डायरेक्ट मेरे को मैसेज कर सकते हैं, आपको बहुत जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारा मोबाइल करीबन 2-2.5-3 मिनट के अंदर अंदर में रिबूट हो रहा था, तो करीबन हमारे मोबाइल को 5 मिनट होने को है, तो अब तक हमारा मोबाइल रिबूट नहीं हुआ है। इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन चार्जिंग फ्लैक्स चेंज करने से ही हो गया है। अगर अब भी रिबूट होता तो हम जो नेक्स्ट स्टेप थे उसको अप्लाई करते। दोस्तों हमारा मोबाइल ओके हो गया है। अगर इस वीडियो से दोस्तों आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो दोस्तों आप प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने पास में जितने प्रूफ हैं उनमें सब में शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हाँ तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।